देखिए माननीय योगी जी जो हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। उनकी ज़बान से इस तरीके की बयानबाजी, मुसलमानों को हरा वायरस कहना और मुसलमानों का इलाज जो है मोदी को कहना, ये उनकी शायाने शान नहीं है। उनको समझना चाहिए कि वो इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, उनकी ज़बान से इस तरीके की बयानबाजी करना तो उनकी ज़हनियत को दर्शाता है कि उनकी ज़हनियत किस तरीके की है। तो उनको इस तरीके की बयानबाजी पर जो है रोक लगानी चाहिए। और हम चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं, जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करता चुनाव आयोग? मायावती ने मुसलमानों से वोट की अपील की, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। अब यही काम सीएम कर रहे हैं कि हिंदुओं के पास भाजपा के लिए कोई विकल्प नहीं, दोहरा मापदंड। देखिए इसमें चुनाव आयोग की सबसे बड़ी गलती यह है कि जिस तरीके से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने ऐलान किया अपने मंच से, मुसलमानों को एक अपनी तरफ रुझाया उन्होंने और कहा कि मुसलमान अपने वोट को बिखरने ना दें, वो एकजुट होकर जो है गठबंधन को वोट करें, तो इसको जो है मद्देनज़र रखते हुए चुनाव आयोग ने फौरन उनके ऊपर एक्शन लिया और उनके क्लिप को जो है मंगवाया गया और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की वो की गई। तो अब हमारे माननीय योगी जी इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहे हैं कि हिंदुओं के पास में कोई विकल्प नहीं है बीजेपी के अलावा, तो चुनाव आयोग जो है माननीय योगी जी के ऊपर क्यों कार्रवाई क्यों नहीं करता? इससे जो ही यही दर्शाता है कि हम ये कहना चाहते हैं, चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं, क्या वो बीजेपी के लिए खास हैं या किसी अन्य पार्टी के लिए खास हैं? चुनाव आयोग जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए एक समान और एक तरीके का व्यवहार करना चाहिए। जो है माननीय योगी जी के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, अगर वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी नोटिस भेजना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए।